एकजुट विपक्ष का नेता आखिर कौन होगा? देवाशीष, ये बताएं कि कर्नाटक में जिस तरीके से एकजुट हुए थे तमाम विपक्षी दल और नेता एक ही मंच पर थे, लेकिन वहां जो कुछ भी कहा मायावती ने, जिस तरह से वो दिखी वहां पर, इसके बाद एक यू टर्न एक तरह से कह लीजिए कि उनकी तरफ से था। उन्होंने जो कहा कि हम शर्तों के साथ ही किसी गठबंधन पर राजी होंगे, तो ये भी बहुत सारी कहानी कह देता है गठबंधन के लिए। कोई आखिर नेता कौन होगा? कोई यूटर्न नहीं है। आपने लगता है पिछले एक साल में गठबंधन को लेकर मायावती जी के जो व्यक्तित्व है उनको सुना नहीं है? उन्हें हर बार यही कहा है गठबंधन के लिए हम तैयार हैं। जब गुजरात का इलेक्शन हुआ तब भी हम लोगों ने प्रेस नोट में जारी करके ये कहा था कि हम लोग गठबंधन के लिए तैयार हैं, बशर्ते सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन सम्मानजनक तरीके से हो। हर राजनीतिक पार्टियां राजनीति के लिए आई है, उनका उन्होंने जो मेहनत करके यहां तक इस मुकाम तक पहुंचे, उनका खुद का कैडर है, उनके खुद के नेता है, उनको भी तो आवाज देनी होगी ना। तो हर पार्टी चाहती है कि उसको उसका शेयर मिले। हम चाहते हैं कि बसपा को उसका शेयर मिले, समाजवादी पार्टी को उसका शेयर मिले, कांग्रेस को उसका शेयर, सबको बराबर बराबर। आपको लगता है कि ये जो सवाल है ये इतना आसान सवाल है? दरअसल यही वो सवाल है जिसके बाद विपक्ष कितना एकजुट रहेगा, ये सवाल होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, जब हम कहते हैं कि अपना हिस्सा हमें चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही 10% से कम वोटों के मूल वोट बैंक पर है जी। और जो दूसरा वोट बैंक है उसको दोनों की साझेदारी कैसे बढ़ेगी, यानी मुस्लिम वोट बैंक उसको बढ़ाने की कोशिश में है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कैसे तय करेंगे। और उत्तर प्रदेश में ही जहां सबसे ज्यादा होनी है, अजीत सिंह चौधरी, अजीत सिंह की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसका एक सांसद बढ़ा, और जैसे ही उनकी ताकत बढ़ेगी तो अजीत सिंह को सब जानते हैं कि वो कैसे बार्गेनिंग करते हैं। छोटे छोटे दलों का उत्तर प्रदेश में जो कहे कि बार्गेनिंग पावर बढ़ने वाली है, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में भी मुश्किल करेंगे। और बात पूरी करने दीजिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, शिष्टाचार नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, दूसरी छोटी पार्टियां हो, अजीत सिंह हो, राजभर हो, अपना दल हो, ये सब मिलकर 2019 के चुनाव में अपनी बार्गेन करने की क्षमता बढ़ाएंगे, और इससे निपटना दोनों के लिए, एकजुट विपक्ष के लिए और भारतीय जनता पार्टी। अवनाश अग्रवाल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम आगे होते हैं, जीत होती है, तो हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे आएंगे, सामने आएंगे, लेकिन यहां देख रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरह से जंग छिड़ी हुई है, इसमें कैसे सफल होगा गठबंधन? ये कोई जंग नहीं है। जब गठबंधन होता है आप यूपी में 4-5 सीटों पर मान जाएंगे? एसपी बीएसपी आपको 4-5 से ज्यादा नहीं देगी सीट वहां पर, जो हालत है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अभी आप नहीं, अभी यहाँ नहीं, अभी अजीत जी यहाँ नहीं तय होगा हमें 4 मिल रही है कि 20 मिल रही है कि 45 मिल रही है। ये आपस में गठबंधन होगा और जीतने के लिए होगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है, उसको हम लोग क्यों भूल जाते हैं, हमारा विपक्ष एक हो रहा है, सत्ता पक्ष बिखर रहा है, उसकी क्यों नहीं बात हो रही है? बीजेपी अलग हो रहा है, तेलुगु देशम छोड़ चुका है, नीतीश कुमार भी यही हालत होने जा रही है, हैं? ओम प्रकाश राजभर रोज रिपोर्ट लिखा रहे हैं इनके खिलाफ, अपना दल धमका रहा है। आप देखिए, शिवसेना खिलाफ चुनाव लड़ रही है, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ये साफ कहना है कि बीजेपी एक इस तरह का बनाना चाहती है माहौल कि मोदी विरोधी हैं सभी, लेकिन आप भी कई दलों के साथ हैं, पूरा एनडीए है, और उस एनडीए में भी बिखराव की बात कर रहे हैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, एनडीए में बिखराव है तो जुड़ाव भी एनडीए में, हमने नेडा बना लिया है नॉर्थ ईस्ट में, हमारा दक्षिण में भी हमारे नए भागीदार आ रहे हैं हमारे साथ में, जदयू हमारे साथ आया है, ये भी हमारा एक पक्ष है, तो ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक 5 वर्ष चलाने वाला पहला गठबंधन है, और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे कितने भी असहमति हो शिवसेना के साथ, फिर भी शिवसेना हमारे साथ सरकार में बनी हुई है, हमने शिवसेना के साथ कभी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस में आपको ध्यान होगा, लालू प्रसाद यादव 2009 में 4 सीट पाए, बेचारे 5 वर्षों तक कहते रहे मुझे मंत्रिमंडल में ले, उनको नहीं लिया। तो कांग्रेस अपने गठबंधन को टिका पाने में उसकी जो क्षमता है उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी अपने, ठीक है प्रेम शुक्ला, लेकिन यूपी और बिहार की कहानी क्या कहती है, उस चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, ये बहुत अहम है संकेत। सवाल दो हैं, एक बीजेपी की क्या स्थिति हो रही है और दूसरी तरफ गठबंधन कैसे तैयार हो रहा है। अवधेश जी, जो मुद्दा इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मुद्दा विहीन एक तरह से एकजुटता जो है वो कितना कामयाब हो पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई नेता भी नहीं है, तो एकजुट विपक्ष का नेता आखिर होगा कौन?
देखिए आपका प्रश्न जो है इस समय दो हो गया, एक तो नेता कौन होगा, मुद्दे क्या है। देखिए राष्ट्रीय चुनाव जब होते हैं तो भारत में लोग एक तो चेहरा देखते हैं और साथ ही साथ उस चेहरे के पीछे उसके मुद्दे क्या है वो भी देखते हैं जी। वो अपनी परिस्थितियां भी देखते हैं। विधानसभा पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है, उसी प्रकार से उपचुनाव और मुख्य चुनाव में अंतर होता है, दोनों में उनकी प्रकृति बदल जाती है। तो ये तो सवाल निश्चित रूप से उभरा रहेगा कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनका जवाब आपके पास क्या है। ठीक है, एक एक करके हम अब आएंगे, पूरा कर लो, ये सारे रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके देखिए कुछ जातीय और सामाजिक समीकरण काम करते हैं, ये भारत के चुनाव की सच्चाई है। तो इसीलिए वो मैं यही कह रहा हूं कि पूरे भारत में मत जाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों के बावजूद जो वहां का सामाजिक समीकरण है वो जरूर इस समय लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती। ठीक है, अमरनाथ अग्रवाल इसमें ऐड करना चाहते हैं जी। जी मैं एक अभेश जी की बात पे कहना चाह रहा था, आपने कहा है कि मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष बिखर रहा है, पहली बात आपने कहा हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं। अरे बीजेपी पीडीपी का जब बेमेल गठबंधन हो सकता है, भविष्य क्या देखा है आप? हम तो एक विचारधारा के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, लालू यादव हो, चाहे वो एनसीपी हो, एक विचारधारा के लोग हैं। एक विचारधारा के अभी आपका इतिहास देख लीजिए, ऐसा विचारधारा एक नहीं है, सबके अस्तित्व का प्रश्न है। बसपा जो है 2014 में बिल्कुल साफ हो गई, विधानसभा चुनाव में उसके 19 सीटें आए, अब ये सवाल है कांग्रेस को 7 सीटें आई, लोकसभा में 2 सीटें आई। तो आपकी समस्या ये है कि इस समय अपने अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी बीजेपी को हराना है तो हमको एकजुट होना है, ये मूल सिद्धांत है आपका, इसमें विचारधारा का है। राजकुमार भाटी, हम आते हैं आपके पास देवाशीष। राजकुमार भाटी, सवाल यही है कि कौन होगा विपक्ष का नेता, और इसके साथ ही मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की जो नाकामियां है उसको गिनाकर आप अपना कोई मुद्दा एक साथ रख नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई है। देखिए अगर कुछ लोग इस भ्रम में प्रसन्न रहना चाहते हैं कि हमारे पास मुद्दा नहीं है, हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास चेहरा नहीं है, हम सीटों के बंटवारे पर बिखर जाएंगे, हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते समय बिखर जाएंगे, तो थोड़े दिन वो प्रसन्न रहें, ये भ्रम बनाए रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा, मुद्दों के आधार पर लड़ेगा, सरकार बनाएगा और एक सक्षम सरकार बनाएगा और अच्छी सरकार चला के दिखाएगा। जो देश नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों के लिए देश के साथ धोखा किया है, जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, उन सारे मुद्दों को हम हल करेंगे। नहीं ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जो बातें कह रहे हैं राजकुमार भाटी, जिन्ना बनाम गन्ना का बात, इसकी बात बहुत चली थी यहाँ कैराना में, और आखिर क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। और इसमें एक पक्ष ये भी है, एक बात ये भी है कि एसपी बीएसपी और आरएलडी तीनों को जितने भी वोट मिले थे पिछली बार उनसे ज्यादा वोट मिले हैं इस बार, ये संकेत भी बहुत कुछ कहता है। आप इसे थोड़ा सुधार करके कह दीजिए कि बीजेपी के वोट कम हुए हैं। ठीक है, उसका जवाब करने का आपको पता होगा, 22,000 करोड़ रुपए जो है समाजवादी पार्टी के शासन काल में गन्ना किसानों के बकाए थे, जो आदरणीय योगी जी के आते ही भुगतान किया गया। गन्ना किसानों की जो पेराई है उसमें जो है 15% गन्ना जो है अधिक पेरा गया। आज सीजन जो है अभी तक गन्ना पेरा गया, मार्च अप्रैल तक गन्ना पेरा गया। 5.5 रुपए प्रति टन उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके यहाँ किए जाने की बात की गई। लेकिन जो जिन्नावाद और फतवावाद है वो निश्चित तौर पर फतवावाद जो था, आप कहने का ये बात योगी जी नहीं समझा पाए कहने की जनता को, फतवावाद इनका काम आया है, फतवावाद जो है जी, अब फतवावाद काम आया है। और अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण करके इन्होंने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती दी है। हम इस सवाल पर लौटेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक कठिन सवाल है आपके लिए, ये भी है आप जो गिना रहे थे गन्ना किसानों की बातें, गन्ना भुगतान की बातें, प्रेम शुक्ला जी एक सीट हारने के बाद जी वहां पर थाना भवन विधानसभा सीट है, गन्ना मंत्री की सीट है, ये स्थिति है कैराना में, इसके बावजूद बीजेपी की हार, ये जो संकेत है ये क्या कह रहा है प्रेम शुक्ला? चलाई गई और फायर हुए किसानों के ऊपर। मैं आपको कह रहा हूँ ना, गन्ना किसानों का भुगतान हुआ 22,000 करोड़ रुपए रिकॉर्ड। ठीक, गन्ना किसानों का गन्ना जो है 28 मिले जिन, अब भाई गन्ना किसानों की बात कर कौन रहा है, जिसने गन्ना किसानों को 22,000 करोड़ भुगतान नहीं किया, सुश्री मायावती 28 मिले बेचकर खा गई, सीबीआई जांच कर रही है।
और उनको उनके समर्थन से अब गन्ना किसान पे प्रसन्न हो रहे हैं, तो मुझे लगता है गन्ना किसानों को भी सोचने की आवश्यकता है और गन्ना किसान निश्चित सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित की बात करेगी। ठीक है, ये सवाल है देवासी, ये सवाल है कि तमाम विपक्षी लोग यहां ध्रुवीकरण कर ये जीत हासिल की है, इसका जवाब दीजिए। संजीव बयान ने बयान क्या बयान दिए वहां पर ग्राउंड पे जब वो कैराना में थे कि हमारी सरकार वादा पूरा नहीं कर पाई, हम मानते हैं एक सवाल उठाया कि वहां पर वोटों के ध्रुवीकरण के कारण ये स्थिति हुई है, आपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, प्रयास नहीं किया वोटों का ध्रुवीकरण करने का, इन्होंने जब जिन्ना का मुद्दा उठाया और योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि गन्ना तो मुद्दा है ही, जिन्ना मुद्दा है, जिन्ना का जवाब दे दिया जनता ने, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर पहुंचे बागपत पहुंचे और वहां जाके उन्होंने मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाया तो जनता ने जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता यहां के बैठ के बैठते हैं कि इस देश का जाट मतलब कैराना का जाट कैसे मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकता है, उसका भी दे दिया जवाब। जो लोग प्रचार में निकले थे उन्होंने अपना हर्ष देखा है, और उत्तर प्रदेश की जनता फिर आपको हर्ष दिखाएगी, चिंता ना करें। अरे देख तो लिया हर्ष देख रहा है, सीट पर आने के बाद देख लिया कि एक साल में ही दूसरे की जीत पर बेकाने की शक्ति में आप जरारिया दीवाना टाइम चल रहा है, कर लीजिए आपकी दीवानगी आपको मुबारक है। ये तो अभी की हालत हो गई, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा अमरनाथ अग्रवाल, आगे क्या होगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस कितना कुछ शेयर करने वाली है। बहुत सिंपल सी बात है, एक सेकंड, मैंने पहले ही कह दिया कि जनता ने अब अपनी कमान हाथ में ले ली है, जनता इनको हराएगी, इनके जुमलों को, इनके झूठ को हराएगी। 22,000 करोड़ इनके पास आंकड़े नहीं है, हवा में बता दिया, 14,000 करोड़ बाकी है, 18,000 गांव में कुल ध्रुवीकरण किया था, कुल वो भी पूरा नहीं हुआ है। सच बात तो ये मेरे घर में कुछ नहीं आ रही, आप घर आ रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं आ रही, आप घर आ रही है, तो स्थिति झूठ हो चुकी है सरकार की, जनता अब इनको समझ चुकी है। आपने सामने देखा कि किसान मरा, उसके पास शक नहीं थे, उनके लिए गए 9 किलोमीटर झूठी सड़क का 30 करोड़ रुपए खर्च करके उद्घाटन कर दिया, सीटों को प्रभावित करता है। आप ये बता रहे ध्रुवीकरण, अरे प्रेम शुक्ला जी आप हर्षवर्धन त्रिपाठी कैसे कैसे बीजेपी इस चुनौती से निपटेगी, उसी की वजह होता है एक चीज ध्रुवीकरण की राजनीति, मास्टर है कि सारी विपक्षी एकता, सारे नेता हर तरह के ध्रुवीकरण के बावजूद कैराना और नूरपुर में संयुक्त विपक्ष को मुस्लिम प्रत्याशियों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं हुआ, एक ये भी बड़ी चीज है। और दूसरी जो बड़ी चीज है कि जब आप इस तरह के ध्रुवीकरण की बातचीत करते हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि बिना कुछ किए प्रतिक्रिया के वोट भी होते हैं, और जब 2019 का चुनाव होगा तो तब अजीत सिंह की इज्जत फिर से दांव पर नहीं जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि जाटों ने मुसलमानों को वोट किया, निश्चित तौर पर वोट किया, सब सबको वोट करते रहे, लेकिन जब आप उस क्षेत्र की बात करते हैं तो आप उसको ध्यान से समझिए कि जाटों के यहां अपनी पगड़ी उतार दी और राष्ट्रीय लोकदल के भविष्य का सवाल था, यह विपक्षी एकता का सवाल उठाते हुए ध्यान में रखना होगा 2019 के संदर्भ।